ओम शांति। कक्षा 12वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। क्षणिक परमात्मा को श्रोता करेंगे। पाठ का नाम है नमक, राइटर का नाम है रजिया सज्जाद। जय हिंद। अपने इष्ट को याद किए, सहयोग लेना है। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917 अजमेर राजस्थान में। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, शोयद भूमि, नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उर्दू अकादमी से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा, अखिल भारतीय लेखक लेखिका संघ अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आपका निधन 18 दिसंबर 1979 को हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ये थी रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 47 में अजमेर से लखनऊ आई, वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोय सूचना विभाग में। रजिया सज्जाद जहीर की रचनाओं में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक संदर्भों बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। समाज की यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता रही। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद शरद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों की टटोलती एक मार्मिक कहानी। ठीक है, किस तरह से 47 में विभाजन हुआ, उसके बाद दोनों के दिलों में किस तरह से ठीस थी, इसी के बारे में बताया गया है। देखेंगे। पुनः परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए पाठ का नाम क्या है, नमक। उन सिख बीवी को देखकर शफिया हैरान रह गई थी कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस जिसवन शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिनमें नेकी मोहब्बत और रहम दिलों की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा वह उसकी अम्मा मरहम में ओढ़ा करती थी। जब शफिया ने कई बार उनकी तरफ भारत पाक विभाजन के समय किस तरह से परिस्थिति बनी, इसी के बारे में जीता जागता उन्होंने अपनी लिखनी चलाई है। यही चला रहे थे, अगला पैराग्राफ है। जब शफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहम्मद से देखा तो उन्होंने भी उनके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया है कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वेट कर शफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते, उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल्ली की तस्वीर। ये है लाहौर की खासियत। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। शफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं, बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साड़ा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब ये प्रसाद हाथ में ये उठने लगी, शाफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत
होने लगी तब शफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहते? दरवाजे से लगी खड़ी थी हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला लो। ये भावना की बात है, नमक की बात नहीं है। 15 दिन योगू जी को पता ही नहीं चला, जिम खाना की सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की या हालत की कोई कुछ लिए आ रहे, कोई कुछ कहा रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं। एक समस्या थी सामने, बड़ी समस्या थी, बादामी कागज की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। शाफिया का एक बहुत बड़ा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते? वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गए, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर की नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो है। वह बिगड़ कर बोले, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे कानून। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? क्या मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसान के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते? हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनका तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी न करे, एक तोहफा है, वह भी जरा चंद पैसों का शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर की चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बात करे, आप अदीब ठहरी, सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूरी घुमा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले जा नहीं सपाएंगी, बदनामी मुक्त में हम सबकी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अजीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती। भैया मारे गुस्से की उसके आंखों से आंखों बहने लगी, उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे के दिन को उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत बहुत से कार्यक्रम बन चुका था, उसे सारे पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी, इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई, एक तो छोटी सी टोकरी जिसमें किनू थे, एक दोस्त का थोपा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक शाफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान में बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा अगर उसे हाथ में ले ले कस्टम वाले के सामने, सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वाले ने न जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे के क्या हुआ, अपनी माँ से किया था, अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुकलाने से क्या मायने, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा अगर इसे किनियों की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने किनियों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? अगर देख लिया, नहीं थी फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी, उधर से केले इधर से किनू सब ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाए। उसने किनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी के ताह में रख दी, ताह में नीचे एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा, ऐसा महसूस हुआ मानो
उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकरू बैठी हुआ पुड़िया को ताकती रही, उन कहानियों को याद करती रही जिसे वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रांग चीन कर हीरा छिपा लेता था, देवों का अपना घूटो और राक्षसों के सामने से होते हुए सरोजों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसे कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा देती। उसने एक आह भरी, फिर वह किन्नियों की एक एक करके टोकरी में रखने लगी। पुड़िया की इधर उधर हाथ पर और फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर अपने हाथ जारे सूट के पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त टहनी सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी के आवाज, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटे या पाकिस्तानी या उसने तीन सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियों थी जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते, होपी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती जहां हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरह थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता, उसी का नाम कस्टम। कल वाला और से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, या भी हो सकता था कि कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे, फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। जिस पर यहाँ वहां सितारे झिलमिला रहे थे, हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजली भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, बस हमारा वतन तो जो जी लाहौरी है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर के किला, किले के पीछे डूबती हुई सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती नरम हवा, उस हवा में रची मौल सीढ़ी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो विजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी डोर से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी और जामुनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते उसका हाथ किन्नियों से लबाला भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे किन्नू जिनको देते वक्त उनके दोस्तों ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। साफिया भाज क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने लिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाई यह सोच रही थी कि आस पास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी में वह तो तामे किन्नियों के नीचे नमक की पुड़िया है। भावना वाली पाठ है, विद्यार्थी गौर करेंगे। जब उसका सामान कस्टम जहाज के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसने झिरझिरी से आई। एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत किया तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वह जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली जिसमें उसका पैसा का पर्चा पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो एकदम कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजे खाली हो चुके, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद दुबला पतला, जिसमें खिचड़ी बाल, आंखों पर कोई कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचा आकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाई। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा, मेरा वतन दिल्ली है।
आप भी तो हमारी की तरफ मालूम होती है, अपने अजीजों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, ये लोग इधर आ गए हैं, आपको आप कभी तो शायद इधर आए। जी जब पाकिस्तान बना तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। शफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दी और नमक की पूरियां निकाल कर उसके सामने रख दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा, खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहम्मद तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, उन खातून को यह नमक देते वक्त तो मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा, वो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई। वे खड़ी रही प्लेटफार्म में, उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे, हसरत भरी नजरों, बहती हुई आंसुओं, ठंडी सांसों, भीगी हुई होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरह बढ़ी। अटारी ने पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जमान थी, एक से सूरते और लिबास एक सा, लबो लहजा और अंदाज थे, गलियां भी एक सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। शफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो उन जवान नौजवान कस्टम अफसर की ओर बड़ी, जो बातचीत और सुबह से बंगाली लगते थे, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पूरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ कह सुनाया। उन्हें सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर शफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्हें एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ख्याल रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। शफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी से झाड़ा, बोले, दे बैठिए। शफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। शफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा, दो चाय लाओ, अच्छी चली, अच्छी वाली। पुलिस वाला शफिया को घूरता हुआ चला गया। मेज की दराज खींची, उन्होंने अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को शफिया के सामने रखकर उन्होंने पहले सफा खोल दिया। बाई ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक्षी जवाब दिया। तो आप कहाँ यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसमें ठीक एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? शफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ ठीक है ठीक है, शफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली शफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाम कलकत्ता में भी होता है, वैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाम की क्या बात है, हमारी जमीन हमारी पानी का मजा ही कुछ और है, भावना है। सभी
भावना की बात है, ये बात नमक की बात नहीं है, भावना की बात है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया शाबिया के बेग में रख दी, खुद उस बेग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। शाबिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चल रही थी तो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह तो कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। पाठ के साथ है, पाठ सात ठो प्रश्न है, इसको करेंगे विद्यार्थी। क्यों कहा गया इसको भी चार ठो है, इसको भी फेर कापी में लिखेंगे। समझाइए तो जरा, इसको भी फेर कापी में लिखेंगे। पाठ के आस पास है, इसको भी लिखेंगे। आपकी राय, इसको भी पढ़ेंगे फेर कापी में। भाषा की बात है, सृजन के क्षण है, इन्हें भी जानिए। ये सभी टॉप टू बॉटम तक आपको करना है, मंजूर है सबको। और शब्द छवि है, इसको भी आप गौर करेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे सभी विद्यार्थी, और बताएंगे जब असाइनमेंट जमा करने के लिए आएंगे। अभी तुरंत नहीं होगा तो बाद में बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर है। अन्यथा आपको असाइनमेंट में नंबर माइनस का डर रहेगा, फिर बाद में रोना मत। मतलब फेयर कॉपी में बनाना है, टॉप टू बॉटम तक अपना फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, ठीक है। छड़ी परमात्मा को श्रोता करें।